अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और हमारी पाकिस्तान सीरीज़ आज हो जाएंगी एंड और हमारा आज से सफ़र स्टार्ट हो जाएगा वापसी का। एक महीना कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। और हम लोग आए हैं इमाम बारगाह। मैं अपने दादा जान की कब्र पर आई हूँ उनको अल्लाह हाफिज़ करने के लिए, उनसे दुआएं लेने के लिए। मौला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। और मूसा ने आकर यहाँ भी अपने कारनामे सर अंजाम दिए। इतना ये कोई तेज़ बच्चा है, मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ से आगे आपको वापसी का सफ़र दिखाऊंगी। चलें जी, पाकिस्तान को करते हैं टाटा बाय बाय। वो रहे PIA ब्लू एयर ब्लू जो एयरप्लेन है। और हमें कौन सा लेकर गया है जी? आई गेस कतर एयरवेज़। यस, हम लोग कतर एयरवेज़ से दोहा जाएंगे। दोहा से आगे हम लोग फ्लाई करेंगे लंदन के लिए। और शुक्र है कि पाकिस्तान की गर्मी से पहले पहले ही हम लोग वहाँ से निकल आए। हाँ, मेरे व्लॉग थोड़े लेट हो चुके हैं, वो इसलिए कि मेरा गला ख़राब था एज़ आई टोल्ड यू बिफोर। लेकिन अब आगे व्लॉग इंशाल्लाह रेगुलर आते रहेंगे, मैं कह देती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाती है मेरी व्लॉगिंग की, वो इसलिए कि आपको पता है कि यहाँ पे लाइफ कैसे है, आपको किस तरह वक्त निकालना पड़ता है वो आप ही जानते हो। और खैर, इस टॉपिक पे हम फिर बात करेंगे। और आप ज़रा व्यूज़ देखें, जब आपको विंडो सीट मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। इस दफ़ा सीट थोड़ी इधर उधर हो गई, मैं एक साइड पर होगी और हस्बैंड दूसरी फैमिली के साथ हो गए। और मूसा साहिब नैप लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, शुक्र है कि वापसी पे उसने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया। और जी, ये हम एक मिनी सा टॉयलेट देते हैं, दो दो दफ़ा हमें मिला है जी, क्योंकि दो दफ़ा हमने फ़्लाई किया है। कनेक्टिंग फ़्लाइट थी बच्चों को इंगेज रखने के लिए, और साथ एक पैकेट भी देते थे जिसमें डायपर वाइप्स एंड ऑल। और बस मूसा उठ गया है और अब इसके काम शुरू। अच्छा, हीबा को कॉल कर दो। हीबा को, हीबा को कॉल भी नहीं करनी। दो दफ़ा मील सर्व होता है ड्यूरिंग फ्लाइट, लेकिन कोई मज़ा नहीं आया। बहुत ही अजीब से खाने थे, कुछ समझ नहीं आती थी क्या क्या बना के दे देते थे। लेकिन यहाँ से फ़्लाई करने का बड़ा मज़ा आ रहा था। आप ज़रा व्यू चेक करें, जब हम लोग दोहा से फ़्लाई कर रहे हैं, ओ माय गॉड, नीचे क्या ब्लू रिवर नज़र आ रहा है और ऊपर ब्लू स्काई है। ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं साथ साथ आपको साउंड्स इसलिए ओरिजिनल दे रही हूँ कि आपको पता चले कि प्लेन में कितना साउंड होता है। और इतहाई बोरिंग सफ़र होता है। मतलब ठीक है कि आपके पास स्क्रीन होती है, आप लोग नेटफ्लिक्स चलाओ, मूवीज़ देखो, जो भी है, लेकिन 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 फिर भी बहुत बोरिंग होता है। और वो भी आपके साथ बच्चा हो तो, ओ माय गॉड, ऐसा टोडलर जिसे काबू करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब इसे पता चल गया मामा वॉइस ओवर कर रही हैं, तो बस आ गया जी मामा को तंग करने के लिए।